बेस्ट लाइव कलेक्शंस में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था, जो कि डाक खाने में क्लर्क थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन और धार्मिक कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में ही देख लिया था। यही कारण है कि उनका साहित्य उनके बचपन पर ही आधारित था। यही सारे अनुभव आगे चलकर उनके लेखन का विषय बन गए। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की। 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया और बाद में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। गांधी जी के आह्वान पर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर के पद से त्याग दे दिया। 1933 में वे फिल्म नगरी मुंबई भी गए, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में उन्होंने कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह कार्य उन्होंने ज्यादा समय तक नहीं किया और 2 माह का वेतन छोड़कर वे बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया, परंतु उनका नाम हिंदी साहित्य जगत में हमेशा बना रहेगा। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां यह थी: आत्माराम, 2 बैलों की कथा, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, कप्तान साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट, कवच, कातिल, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद ला, गैरत की कटार, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ज्योति, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआं, त्रिया चरित्र, टांगे वाले की बड़, दंड, दुर्गा मंदिर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, बंद दरवाजा, वोहनी, मैकू, सौत, मंत्र, नमक का दारोगा, सावा सेर, गेहूं, कफन, पंच परमेश्वर। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास यह है: रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गबन, गोदान। मंगलसूत्र अधूरी रह गई थी, जिसे बाद में उनके पुत्र ने पूरा किया। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन साहित्य जगत को समर्पित किया।